ये लीजिए, आ गया आपका बेटा। आते ही पानी में कूदना है इनको, मुझे समझ नहीं आता मैं करूं क्या इनका। तो उसकी पत्नी है ना, समझाते क्यों नहीं, जरा भी अपना ख्याल नहीं रखता। ये पापा आ गए। अरे अरे नमिता, सनी को रोको। सनी सनी, पापा मुझे भी स्विमिंग करनी है, प्लीज पापा मुझे स्विमिंग करनी है। रुको सनी, रुक जाओ। सनी कहाँ कहाँ जा रहे थे तुम? मुझे पापा के साथ स्विमिंग करनी है। नहीं अभी नहीं। मार्को इधर आओ। सनी सर। मार्को कहाँ गए पापा? मार्को मार्को पापा मार्को पापा मार्को मार्को, देखो मुझे मुझे ना ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तो बाहर निकलो। अरे पापा। मार्को अरे पानी तो एकदम साफ है, नजर ही नहीं आ रहा। मार्को मार्को पापा मार्को मार्को सर मम्मी पापा पूल में से कहाँ गायब हो गए? बेटा मम्मी पापा को बुलाओ ना, मुझे स्विमिंग करनी है। हाँ बेटा एक चीज। अरे अभी तो कूदे थे वो पूल में। मार्को मार्को अगर ये मजाक है ना तो तुम बाहर आओ अभी के अभी। मार्को कहाँ हो बेटा, बाहर आओ। मैं यहाँ हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे अभी तो यहाँ स्विमिंग पूल में था, अचानक टेरेस पे कैसे पहुंच गया? मार्को 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 नीचे उतरो तुम। ये क्या बदतमीजी, नीचे उतरो, बच्चे हो क्या? मार्को इतना ऊपर क्या कर रहे हो? पापा प्लीज नहीं क्या? मार्को मार्को सर मुझे पापा के पास जाने दो। पापा मार्को 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 सर मार्को सर सर क्या हुआ सर? मार्को मार्को सर सर क्या हुआ आपको? मार्को उठो, उठिए सर। मार्को मार्को सर क्या हुआ? मार्को सर सर क्या हो गया आपको? सर हमको छोड़ के चले गए। गोली या चाकू नहीं मारा गया? हाँ सर, सिर्फ गिरने का जख्म, इसलिए शायद ज्यादा खून नहीं बहा। सर लगता है जमीन पे पहले शरीर टकराया है, इसलिए सर बच गया और सर पर ज्यादा चोट भी नहीं आया। पंकज बॉडी को फॉरेंसिक भेजो और आसपास चेक करो। कैसे हुआ ये सब? सर सर हम सब पूल के पास थे, तभी इस छत पे खड़े मार्को सर ने कहा कि मैं यहाँ हूँ और मैं जा रहा हूँ, बस सर। इतना कहने के बाद उन्होंने छलांग लगा दी। नहीं सर, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मार्को की किसी के साथ कोई दुश्मनी या कहा सुनी हुई हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा आपने मार्को के साथ किसी और आदमी को देखा जिसपे शक हो? नहीं सर। बिल्डिंग में जाते हुए देखा आप लोगों ने या किसी को कुछ कह के गया हो? सर हम अपने घर के बाहर थे, तभी मार्को चेंजिंग रूम से निकला और स्विमिंग पूल में कूद गया। सर सर बॉस टेलीपोर्टेशन में एक्सपर्ट थे और हम सबको भी यही लगा कि वो पूल से गायब होकर इस छत पर आ गए। टेलीपोर्टेशन? जी हाँ, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे इंसान एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाता है। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? मार्को यहां से गया पानी के अंदर और वहां बिल्डिंग के ऊपर बाहर निकला। इसी को कहते हैं क्या टेलीपोर्टेशन? जी सर। यहां से वहां जाना? नहीं नहीं, पूल के अंदर जरूर कोई
कोई रास्ता होना चाहिए। पंकज सर जरा अंदर जाके चेक करो। जी सर। सर धक्का किसने दिया सर? मेरा मोबाइल। कोई रास्ता है बाहर जाने का? नहीं सर। ठीक से देखा? सर वहां पे एक जाली है सर और पानी बाहर जाता है सर, वहां पे कोई आदमी नहीं जा सकता सर। पंकज किसी भी जगह को नजरअंदाज मत करो, देखो वहां पे। पंकज अटक गया। से भी कोई बाहर नहीं निकल सकता सर। सर तो फिर मार्को कैसे गायब हुआ? इस पुल से बाहर निकलना नामुमकिन है। पूर्वी चेंजिंग रूम चेक करो। सर सर हम सच कह रहे हैं, टेलीपोर्टेशन के जरिए ही बॉस यहाँ से वहाँ पहुँचे। पिछले कुछ महीने से वो इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। हम नहीं मानते। सर चेंजिंग रूम में मार्को के ही टॉवल और कपड़े हैं। ऐसे कोई टेलीपोर्ट कैसे हो सकता है? कोई ना कोई इक्विपमेंट तो जरूर होगा। लेकिन सर वहाँ ऐसा कुछ दिखा नहीं। सर मार्को सर की कैप और गॉगल्स, सर उसी से वो सब कुछ करते हैं। सर सर वो गॉगल और सन कैप हमें सालों के सर के ऑफिस में ले जाना चाहिए, उसी में कुछ प्रॉब्लम है सर। क्या देख रहे हैं? सर मैंने सुना है मार्को ये टोपी और गॉगल पहन के गायब हो गया था। नहीं ठीक सुना। मुझे भी गायब कर दो ना। क्यों? अब सालों के साथ मेरी वाइफ मेरे पीठ पीछे बहुत गालियां देती रहती है, मैं उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ। नहीं नहीं बीवी की जासूसी के लिए गायब नहीं करूंगा। नहीं हट। सालों के साहब प्लीज। क्या श्रेया दिव्या गायब कर दें इसे? कर दीजिए सर। जी सर। तो ठीक है इन लोगों ने कह दिया तो तुझे गायब कर देते हैं। एक काम कर, ये चश्मा और ये टोपी पहन ले। क्या हुआ? मेरे कुछ नहीं। वो
बहुत अच्छा लग रहा है ना तू यार। तो अब एक काम कर, अब तू आंखें बंद कर ले, बिल्कुल ध्यान में चला जा। अब तुम दोनों मेरे साथ बोलो, वन वन टू टू। ओ फ्रेडी सर तो सच में गायब हो गए। हाँ फ्रेडी सर तो दिख ही नहीं रहे। ए फ्रेडी, ओ तुझे मेरी आवाज आ रही है क्या वहां पर? हाँ सालू के साहब, आ रही है आवाज। आ रही है, इसका मतलब तू अपने घर में पहुंच गया फ्रेडी। जरा सा इधर घूम जा और देख फ्रेडी, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल, तेरे सामने तेरी बीवी खड़ी है। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। हाँ, मेरी पीठ पीछे गालियां देती रहती है। हाँ? सालू के साहब, मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ, मैं घर में कहाँ हूँ? हाँ जी, आप यहीं पर हैं। तेरे सामने सालू के खड़ा है, ये श्रेया है, वो दिव्या है, और ये ब्यूरो है, समझा? उतार इन्हें, ये पहन करके कोई कहीं गायब नहीं होता है, समझा? और देख, अगर दोबारा ऐसी बेवकूफी की बातें की ना, तो मैं तुझे सच में प्रेडी वापस गायब कर दूंगा दुनिया से, समझा? अरे क्या बात कर रहे हो? शट अप। अरे क्या हुआ भाई, हैं इतने चिड़े क्यों हो? ये अपने होनहार से पूछो ना, क्यों चिड़ा हूं? सर मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहिए। सर मुझे लगता है मेरे बेटे मार्को को मेरी बहू करिश्मा ने मारा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? सर जब भी मेरा बेटा घर से बाहर जाता था तो ये भी घर से कहीं निकल जाती थी। अब देखिए ना, जैसे इसे पति के मरने का कोई दुख ही ना हो, इस वक्त भी घर से बाहर है। आपने कभी उनसे पूछा नहीं कि वो जाती कहाँ है? कैसे पूछती, मेरा मुंह नहीं नोच लेती। वो हमेशा मेरे बेटे के साथ झगड़ा करती रहती थी। जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई है, उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बुरा ही होता रहा है। मैम आपने ये सारी बातें हमें पहले क्यों नहीं बताई? वो मैं डर गई थी कहीं मुझे भी कहीं है, सास बहू की शिकवा शिकायत तो नहीं है? अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लोग खुद ही पता लगा लीजिए ना। देखते हैं कहां जाती है।
भाई साहब आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। सर, मैं करिश्मा की गाड़ी का पीछा कर रही थी पर उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई। पर सर मैंने गाड़ी में देखा तो करिश्मा थी नहीं। पता नहीं सर, अचानक से करिश्मा कहीं गायब हो गई है। ओके, हाँ गायब हो गई। सर समझ में नहीं आ रहा है, इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट उस सुनसान रोड पे हुआ था, वहां से यहाँ ऊपर से कैसे गिरी है? इस रोड से यहाँ इस जगह पहुंचने में कम से कम एक घंटा लगता है, ये यहाँ पर 15 मिनट में कैसे पहुंच गई? सर कोई हमारे परिवार के पीछे पड़ा है, हम सबको मार डालना चाहता है। मैम फिक्र मत कीजिए, हम खूनी को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे, वो नहीं बचेगा। सर खूनी बहुत शातिर, समझ में नहीं आ रहा है वो सबको मार कैसे रहा है। रूपा जी क्या बता सकती हैं कि ये करिश्मा वहां बार में क्यों गई थी? उस बार में जाना होगा, वहीं से सुलझ सकती है इस करिश्मा के खून की गुत्थी। जानते हैं इसे? हाँ सर, टेबल नंबर 3 पे बैठी थी, शायद किसी का इंतजार कर रही थी। कोई मिलने आए थे इसे? मैंने नहीं देखा सर, पूछता हूँ वेटर से। पीयूष, देखा इसे? हाँ सर। इसे कोई मिलने आया था क्या? नहीं साहब। पक्का? बिल्कुल पक्का साहब, इसने पहले कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की, फिर उसने खत्म की और पीछे वाले दरवाजे से चली गई। क्या? पीछे वाले दरवाजे से? सर मैंने करिश्मा को सामने वाले दरवाजे से निकलते हुए देखा। नहीं मैडम, पीछे वाले दरवाजे से तो गई थी, और अपना रमेश भी तो गया था साथ में। ये रमेश कौन है? साहब अपना ही भाई है, यही साथ में ही काम करते हैं हम सब। ये रमेश भी उसके साथ गया था? हाँ साहब, साथ में ही गया था। नहीं सर, जब मैंने देखा तब करिश्मा अकेली थी। और हाँ साहब, रमेश उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसे अच्छे से जानता हो। एक मिनट, इस आदमी को ध्यान से देखो, इसके मोबाइल की लोकेशन कल रात से यहीं की दिखा रही थी। हाँ साहब, ये आदमी तो कल रात से ही यहीं पे था, और अपना रमेश भी तो साथ में था। एक बार तो मुझे लगा साहब कि उसका परमानेंट कस्टमर हो। दोनों कुछ देर बात किए और फिर दोनों साथ में चले गए साहब। रमेश इन दोनों के साथ गया और दोनों की मौत हो गई। ये रमेश कहाँ है? बुलाओ उसे। साहब रमेश तो उस मैडम के साथ ही गया था, और जब से गया तब से वापस नहीं आया। जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है, करिश्मा के साथ गया
तब से वापस ही नहीं आया। सर ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, करिश्मा सामने वाले दरवाजे से अकेले बाहर आई थी। इसका भी पता चल जाएगा श्रेया, पहले इस रमेश को दबोचना होगा। मिस्टर एक्स, तुम ठीक तो हो ना? अजी मैं ठीक हूँ। बेटा, तुम्हारा दोस्त हमें छोड़कर चला गया। मुझे पता है, माँ को के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं हूँ ना। बेटा, अब करिश्मा भी नहीं रही, और सनी का भी कुछ पता नहीं है। सनी को क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, पता नहीं उसके साथ ये लोग क्या करेंगे। से कुछ नहीं होगा, मैं उसे ढूंढूंगा। अब मेरे जीने का सहारा तो सनी है बेटा। हमें सीआईडी को सनी के बारे में बताना होगा। माँ जी आप मेरे साथ चलिए, आइए। मैम ये रमेश कहाँ रहता है? यहाँ से तीसरा घर। इस तरफ। थैंक यू। घर तो ये है। सर, दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। किसी से पूछा? भाई साहब जी, ये रमेश कहाँ गया? सुबह ही घर से निकला था, वापस नहीं आया। उसके साथ कोई और आदमी भी था? घर से तो अकेला ही निकला था, आगे का पता नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। ठीक है, थैंक यू। तलाशी लो घर की।
सर, किचन में तो कुछ भी नहीं मिला। सर, ऊपर भी कुछ नहीं मिला, पर यहाँ पे मिला है। ये पाउडर गिरा हुआ है और उसपे चीटियां मरी हैं। सर, इसका मतलब इस पाउडर में कुछ गड़बड़ है? शायद हाँ। आसान के दोनों लाशों की ऑटोप्सी हो गई। क्या हुआ इसे? सर कह रहे थे कि आपने उन्हें धोखा दिया। क्या? रे? मैंने तुझे धोखा दिया? कब रे? कब क्या पूछते हो? इतने प्यार से तुम्हें खाने के लिए बुलाया, अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम आए ही नहीं। धोखा नहीं तो क्या ही है? यार, एक इमरजेंसी केस आई थी, उसमें उलझ गया था मैं। छोड़ो छोड़ो, बातें बनाना छोड़ो यार। दरअसल तुम मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाना ही नहीं चाहते। तुम्हें डर लगता है पता नहीं सालू के क्या बना करके खिला देगा। You don't believe me at all. अच्छा चल ना, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुझे दोबारा मौका देता हूँ अपने हाथ से खाना पकाकर मुझे खिलाने का, ताकि मैं मर जाऊँ बस। क्या बोले, क्या बोले तुम? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है तू अच्छा खाना बनाता है, मैं आऊंगा। नहीं नहीं, अभी तुम कुछ बोले थे ना? बताना ऑटोप्सी का रिपोर्ट। हाँ, बता दूंगा बॉस। तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की, मैं तुम्हारे जैसा नहीं। तो सर फिर बताइए ना क्या पता चला। आओ बताता हूँ। बॉस, मार्को और करिश्मा की मौत ऊपर से गिरने की वजह से नहीं हुई। क्या मतलब? सर मतलब मौत गिरने की वजह से नहीं, बल्कि जहर की वजह से हुई है। जहर की वजह से? हाँ बॉस, ये जहर जो रमेश के घर से मिला था। यार मगर ये जहर है कैसा? तो फिर इन लोगों को ये जहर मिला कहाँ से? सर, इस जहर का नाम इंडिटे मैट्रिक्स है, और ये किसी साधारण लैब में नहीं, सिर्फ इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब्स में ही मिल सकता है। इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी? इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी? सचिन, जितने भी इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरीज है, सब में जाके पूछताछ करो, देखो किसी ना किसी लेबोरेटरी में से ये जहर गायब हुआ होगा। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर मार्को की मौत गिरने से पहले हो चुकी थी तो फिर ये छत पर कैसे खड़ा था? उसे किसी ना किसी ने तो खड़ा किया है उस बिल्डिंग के छत पर। उस बिल्डिंग में जाके फिर से देखना होगा, कहीं ना कहीं तो कोई हुक, कोई पुली, कोई तंगूस जरूर मिलना चाहिए। मैं कह रहा था ना, उस बिल्डिंग के छत पर कोई हुक, कोई पुली, कोई तंगूस जरूर मिलेगा, और मिल भी गया। इसी पुली के जरिए मार्को को खड़ा रखा गया था छत पर। अरे रूपा जी, आप सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। ये कौन बोला? पंकज, लगता है ब्यूरो में आत्मा आ गई। लगता है ये साथ में लेके आई है, कहीं हमारे साथ ना खड़ी हो। कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? मिस्टर एक्स। ओ, मिस्टर एक्स? कहाँ हैं आप? और देख क्यों नहीं रहे? मैं सिर्फ नियॉन लाइट पे दिखता हूँ। पूर्वी, नियॉन लाइट ऑन करो। सर। Oh!
हमारे इतने करीब। माय गॉड, मिस्टर एक्स, आपकी बहादुरी के बारे में बहुत सुना है मैंने, और सीआईडी की बहादुरी की भी काफी चर्चे हैं। आप तो एक एटीएस ऑफिसर है ना? जी। लेकिन ये ना दिखने वाली ताकत आपके पास कैसे आ गई? मैं एक केमिकल रिफाइनरी में चल गया और वहां के रेडिएशन और केमिकल्स की वजह से मैं गायब हो गया। मैं सिर्फ इस ब्लू नियॉन लाइट और सनलाइट पे दिख सकता हूं। लेकिन मिस्टर एक्स, ये आप इनविजिबल कैसे हो सकते हो? मेरा मतलब है, नहीं दिखने वाली, वाकई कमाल की बात है ये। मिस्टर एक्स, आप यहां रूपा जी के साथ? आज कुछ लोगों ने इन पर हमला किया और मेरे दोस्त माको का बेटा सनी भी गायब हो गया है। क्या सनी को किडनैप किया? सर, वो घर के बाहर खेल रहा था, मैं उसे देखने गई, वो वहां नहीं था। मैंने उसे बहुत ढूंढा, नहीं मिला मुझे। लेकिन किसने किया ये? कौन थे वो? पता नहीं सर। क्या वो आपके कोई पहचान वाले थे? नहीं। हेलो, एसीबी प्रद्युमन। क्या रमेश वेटर के अलावा किसी इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब में असिस्टेंट का काम भी करता है? मिस्टर रवि, आप ही हैं? जी सर। और आप लोग? सीआईडी। सीआईडी, क्या बात है सर। ये रमेश आप ही के लैब में काम करता है ना? हाँ सर, यही पे काम करता है, लेकिन आज सुबह से उसका आता पता नहीं है। पता नहीं वो आज आया नहीं सर। क्या आपकी लैब से कोई जहर गायब हुआ है? हाँ मैम, किसी ने चुरा लिया मैम। मैंने कंप्लेंट भी लिखवाई है क्योंकि सबसे खतरनाक जहर है मैम वो। रमेश ने चुराया वो जहर और दो लोगों की जान भी ली उसने। सर, पर वो तो बहुत ही सीधा साधा आदमी था, उसने ऐसा किया? जी हाँ, ये सब उसी ने किया। क्या उससे कोई मिलने आता था यहाँ, या उसे किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था आप लोगों ने? नहीं मैम। हाँ मैम, पर कभी कभी उससे कोई मिलने के लिए आता था, क्योंकि तब हमारा गार्ड संपत उसे बाहर आने के लिए कहता था और तब वो बाहर जाता था मिलने के लिए। जरा आपके गार्ड को बुलाना। जी सर। हेलो संपत, जरा लैब में अंदर आना। क्या बात है मैडम? सर संपत। जी सर। संपत, कौन आता था मिलने के लिए? तुम रमेश को बाहर क्यों बुलाते थे? साहब, वो एक लड़की आती थी सर। लड़की? जी साहब। आपने उस लड़की का चेहरा तो देखा होगा ना? जी साहब, देखा है। उसका स्केच बनवा सकते हो? जी, बनवा सकता हूँ साहब। और कुछ याद है उस लड़की के बारे में? साहब, वो कैब से आती थी, और हाँ, जिस कैब से वो आती थी उस कैब की ड्राइवर लड़की थी साहब। लेडी ड्राइवर? कैब कंपनियों से पता करना पड़ेगा कि कौन है वो लेडी ड्राइवर जो उस लड़की को यहाँ लैब तक लेकर आती थी। हो सकता है उसी लड़की ने रूपा जी के घर पे भी गुंडे भेजे थे, और शायद सनी को भी उसने अगवा किया है। समय एक लड़की को अपने कैब से लेके साइंस लेबोरेटरी तक लेके जाती थी। अच्छा, और क्या जानती हो उसके बारे में? सर, वो मुझे फोन करती थी और ओशिवारा बस स्टॉप पे बुलाती थी, वहां से हम साथ साथ जाते थे। उसका फोन नंबर या एड्रेस है तुम्हारे पास? सर, उसका नंबर है 1133337733। ट्रैक करो ये नंबर पंकज, देखो कहां पर है। सर बताओ, और क्या जानते हो इसके बारे में? सर, और कुछ नहीं जानती मैं। सर, लैब के गार्ड ने ये स्केच बनवाया। यह है वो लड़की? हाँ सर, यही है वो। मैं जानता हूं इस लड़की को। ये आवाज कहां से आई? तुम जा सकती हो। थैंक यू वेरी मच। ओके। फ्रेडी,
नियॉन लाइट्स ऑन करो। यस सर। ये शीना है, मैं इसको कई बार अरेस्ट कर चुका हूं, छोटे मोटे गुनाह करती रहती है। तो क्या इसने मार्को और उसकी पत्नी को मारा है? इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है उनके साथ? मुझे नहीं लगता है कि ये मुजरिम है, जरूर इसके पीछे कोई और भी है। सर, इसके पीछे और कौन हो सकता है? सर, सर वो सेलफोन बोरीवली की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक्टिव है। बोरीवली की किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में है तो जरूर ये लड़की भी वहीं है और सनी भी हमें वहीं पे मिलेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे दादी के पास जाना है, अपने घर जाना है। अब तुम अपने घर कभी नहीं जाओगे, अब तुम वहीं जाओगे जहाँ हम तुम्हें भेजेंगे। कहाँ भेजोगी? तुम्हारे मम्मी पापा के पास। पापा तो नीचे गिर गए थे, मुझे भी गिराओगे? शीना, हमारे पास टाइम नहीं है, अगर सीआईडी आ गई तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। शीना का प्लान आज तक कभी फेल नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। अगर तुम बोल रहे हो तो ठीक है, इसका काम खत्म करते हैं। चल। सनी, तुम ठीक हो ना? ठीक तो है? गुड बॉय, गुड बॉय। बताओ किसके लिए काम करती हो? क्यों किया तुमने ये सब? वो मुझे किसी ने कहा था। तो मिस्टर एक्स ने सही कहा था।
सर सारे स्टंट्स मैं परफॉर्म करता था, पर मार्को सर उसका हमेशा कैंडी ले लेता था और उसे मारने का प्लान तो मैं बहुत पहले ही बना चुका था। और आज जो स्विमिंग पूल में कूदा वो मार्को नहीं था, वो मेरा आदमी था। मार्को को तो मैं कब का मार चुका था और उसे उस बिल्डिंग की छत पर ही फिक्स कर चुका था ताकि लोगों को ये लगे कि वो टेलीपोर्टेशन की वजह से मर गया। लेकिन मार्को तो मर चुका था ना, तो फिर मार्को की आवाज सबको कैसे सुनाई दे रही थी? वो उसकी आवाज नहीं थी, वो एक रिकॉर्डिंग थी। और फिर वही सब तुमने करिश्मा के साथ भी किया। करिश्मा को इस बारे में सब कुछ पता चल गया था और उस दिन वो बार में चली गई ताकि उसे सारे सबूत पता चल जाए, और इस तरह रमेश ने उसे मार दिया और उसी के घर में फिट कर दिया। जुर्म की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। और हाँ, टेलीपोर्टेशन हम भी करते हैं, यहां से गायब होने के बाद तुम सीधे जेल के अंदर दिखोगे। मिस्टर एक्स, आपने हमारी बहुत मदद की, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है सर, ये तो मेरी ड्यूटी है। फिर भी आपकी वजह से ही तो हमें पता चला कि असली मुजरिम मार्को का असिस्टेंट रजत ही था, शीना नहीं। इतना ही नहीं, आपने रूपा जी की भी जान बचाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मिस्टर एक्स, गुड लक। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.